ठीक है, लग गया सबका अटेंडेंस, मीटिंग लॉक हो चुका है। ठीक है, अब कोई भी नहीं जुड़ पाएगा, कोई अगर लेफ्ट कर दिया तो वो जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्या क्या देख लिए थे, यूनरी ऑपरेटर पूरा हम लोग कर लिए थे, है ना। उसके बाद हम लोग आज देख रहे हैं जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर बताओ क्या क्या होता है। पता है? ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही है। ठीक है, सबका काम सेम होता है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि डिवीजन और मॉडुलस दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बताओ? फाइनल ईयर में आ गए हो ना, इतना सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिए, सब में ऑपरेटर यूज होता है। किसको पता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि ये सब चीज पढ़ चुके हैं पहले भी तुम लोग। मॉडुलस रिमाइंडर बताएगा और डिवीजन क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, हाँ देखो ये प्रोग्राम को देखो, छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5। ठीक है, ए प्लस बी यहाँ परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। ठीक है, ए माइनस बी में क्या बताएगा, 5। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई बी में क्या बताएगा, 10 इंटू 5 50। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी में क्या बताएगा, 10 डिवाइड बाई 5 2। ठीक है, ए मॉड बी। ठीक है, 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लेफ्ट शिफ्ट वगैरह सब छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, जावा एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल ठीक है, लॉजिकल एंड और बिट वाइज एंड। ठीक है, दोनों यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, द लॉजिकल एंड ऑपरेटर डज नॉट चेक सेकंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। पता है कि नहीं पता है? क्या होता है बताओ? देखो, द लॉजिकल एंड ऑपरेटर डज नॉट चेक सेकेंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, जब दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा वो। ठीक है, इट चेक सेकेंड कंडीशन इफ फर्स्ट वन इज ट्रू। ठीक है, द बिट वाइज एंड ऑपरेटर ऑलवेज चेक बोथ द कंडीशन वेदर फर्स्ट कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों को चेक करेगा। ठीक है, यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल है, देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, उसके अंदर हम लोग लिखे हैं इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 20। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, बी की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, ए इज लेस देन बी, कंडीशन क्या हो गया,
फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर लगा है एंड, लॉजिकल एंड, ए इज लेस देन सी, ठीक है, 10 इज लेस देन 20, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो पहला अगर फॉल्स हो गया तो सेकंड को वो चेक ही नहीं करेगा, क्लियर है। तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा हम लोग को, फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले में आते हैं, ए इज लेस देन बी, 10 इज लेस देन 5, ठीक है, फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ, ए इज लेस देन सी, ठीक है, ए इज लेस देन सी, मतलब 10 इज लेस देन 20, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है, ठीक है, क्लियर है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 5 है, सी इक्वल टू 20 है, ठीक है। ये सारा चीज मैं रन करके क्यों क्यों नहीं बता रहा हूँ, ताकि ये सब चीज तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, है ना, इसी के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फालतू ये छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने का फिर से मतलब नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 5 है, सी इक्वल टू 20 है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए इज लेस देन बी एंड ए प्लस प्लस लेस देन सी, ठीक है। अब देखो, ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड लगा है ए प्लस प्लस लेस देन सी, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, 10 इज लेस देन 20, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस प्लस भी अगर करते तो क्या होता, 11 होता, ठीक है, 11 भी होता तो वो ट्रू ही आता, आया समझ में। तो यहाँ एक फर्स्ट कंडीशन हो गया फॉल्स, सेकंड कंडीशन हो गया ट्रू, ठीक है। फर्स्ट अगर फॉल्स हो जाएगा तो सेकंड को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है, और ओवरऑल हम लोग को क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, और यहाँ पे ए प्रिंट करो, ठीक है, 10 बिकॉज सेकंड कंडीशन इज नॉट चेक्ड, ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, ए प्लस प्लस यहाँ पे किए हम लोग, ठीक है। तो कायदे से क्या होना चाहिए, 10 प्लस 1 हो जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू 10 ही मिलेगी। सेकंड में आते हैं, ए इज लेस देन बी, ठीक है, एंड ए प्लस प्लस लेस देन सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ए इज लेस देन बी होता है, ए की वैल्यू 10, 10 इज लेस देन 5, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड लगा है ए प्लस प्लस लेस देन सी, ठीक है, मतलब ए प्लस प्लस मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 11 हो गया, लेस देन सी, ठीक है, सी की वैल्यू 20, 11 लेस देन 20, ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये भी ट्रू, पहला फॉल्स हुआ, सेकंड ट्रू हो गया, ठीक है, दोनों चेक होगा, ठीक है, और ए प्लस प्लस जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे सेकंड लाइन में एक को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये था जावा एंड ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है और बिट वाइज एंड है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आउटपुट कुछ इस प्रकार से हम लोग को मिलेगा, फॉल्स 10, फॉल्स और 11, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरेटर क्या करता है बताओ, तो
ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, द लॉजिकल एंड सॉरी और ऑपरेटर डज नॉट चेक सेकंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, इट चेक्स द सेकंड कंडीशन ओनली इफ फर्स्ट वन इज फॉल्स। ठीक है, क्या करता है, अगर पहला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा। आया समझ में? सेकंड कंडीशन को कब चेक करेगा? जब फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, देखो द बिट वाइज और ऑपरेटर इज ऑलवेज चेक बोथ द कंडीशन वेदर फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, इंट सी इक्वल टू 20। ठीक है, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एल एन, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और लगा हुआ है ए इज लेस देन सी। अब ए इज ग्रेटर देन बी मतलब क्या होगा, 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और लगा है, जब पहला वाला ट्रू हो चुका है तो सेकंड वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो भी हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं ए इज लेस देन सी क्या है, 10 इज लेस देन 20 मतलब ट्रू होगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। मतलब अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल हम लोग को ट्रू मिलता है। ठीक है, बिट वाइज और हम लोग देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, और ए इज लेस देन सी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 10 इज लेस देन 20। तो पहला वाला क्या हो गया, ट्रू है, सेकंड वाला भी क्या है, ट्रू है। तो ओवरऑल हम लोग क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ए इज लेस देन बी और ए प्लस प्लस लेस देन सी। ए इज लेस देन बी सॉरी ग्रेटर देन बी मतलब क्या होगा, 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, ट्रू है। ठीक है, लगा है लॉजिकल और। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस प्लस लेस देन सी, पहला वाला ट्रू हो चुका है तो सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा क्या, पहला वाला ट्रू हो चुका है, सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, तो सेकंड वाला वैसे भी ट्रू है। ठीक है, अगर हम लोग ए को प्रिंट करते हैं तो इसकी वैल्यू हम लोग को 10 ही मिलती है यहाँ पे। ठीक है, अगर ए को हम लोग प्रिंट करते हैं तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 10, क्योंकि ये ए प्लस प्लस तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, एग्जीक्यूट हुआ नहीं तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? अब सेकंड वाले स्टेटमेंट में आते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे लगा है लॉजिकल बिट वाइज और। ठीक है, ए प्लस प्लस लेस देन सी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी मतलब क्या होगा, 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस प्लस लेस देन सी मतलब 11 लेस देन 20। ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ट्रू है तो ओवरऑल हम लोग को मिलेगा ट्रू। ठीक है, अगर हम लोग ए को प्रिंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 11। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? लॉजिकल ऑपरेटर कि नहीं आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है,
ठीक है। चलो आते हैं हम लोग टर्नरी ऑपरेटर में। टर्नरी ऑपरेटर इज यूज एज वन लीनियर रिप्लेसमेंट फॉर इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर जैसे इफ एल्स काम करता है वैसा ही काम करता है। ठीक है, इट इज द ओनली कंडीशनल ऑपरेटर विच टेक्स थ्री ऑपरेंड्स। ठीक है, तीन ऑपरेंड पे काम कर सकता है। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, इंट ए इक्वल टू टू ले लिए, इंट बी इक्वल टू फाइव ले लिए। ठीक है, इंट ए इक्वल टू टू ले लिए, बी इक्वल टू फाइव ले लिए। यहाँ इंट मिनिमम यहाँ ले लिए हम लोग एक वेरिएबल। ठीक है, ए इज लेस देन बी, ठीक है, टू इज लेस देन फाइव, क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, ए या बी? कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? ए वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये ट्रू वाला है। ठीक है, तो ए रिटर्न करेगा। ए की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? इस मिन वाले वेरिएबल पे स्टोर होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा? बी की वैल्यू रिटर्न करेगा, और बी में, बी की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी? मिन में स्टोर हो जाएगी। आया समझ में? ठीक है, तो अभी वैल्यू ट्रू है तो ए की वैल्यू क्या है? टू है, तो मिन में क्या स्टोर हो जाएगी? टू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग उस मिन को प्रिंट कर रहे हैं, तो मिन की वैल्यू टू है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? आउटपुट में क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। ठीक है, ये देखो आउटपुट में टू आया। ठीक है, क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है। आया समझ में? इफ एल्स जैसा ही काम करेगा, लेकिन यहाँ तीन ऑपरेंड्स होते हैं। कौन कौन से ऑपरेंड्स है? एक ए है, एक बी है, एक मीन है। ठीक है, तीन ऑपरेंड है। ठीक है, समझ में आया तीन ऑपरेंड कि नहीं आया? ठीक है, तो ये एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है जो तीन ऑपरेंड पे काम करता है। ठीक है, दुनिया में इकलौता है ये। क्लियर? आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोगों को एक बात बताओ, आ रहा है ना पक्का? ओके, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर भी पता होगा क्या होता है। किसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर? इक्वल टू को अगर अरिथमेटिक साथ में लगा दें उसके तो क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोग उस असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में लगा देते हैं तो बताओ। अरे शॉर्ट हैंड बनेगा। क्या बनेगा? शॉर्ट हैंड। सब भूल गए तुम लोग, है ना? लॉकडाउन है, सब वैनिश हो गया। ठीक है, देखो इस एग्जांपल को देखो। इंट ए इक्वल टू टेन है, ठीक है, इंट बी इक्वल टू ट्वेंटी है। ठीक है, ले सकते हैं हम लोग वैल्यू? कोई दिक्कत है किसी को लेने में? ले सकते हैं ना? ए में टेन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, बी में ट्वेंटी ले सकते हैं हम लोग। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखा a प्लस इक्वल टू फोर, इसका मतलब क्या होगा? क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे?
ए प्लस इक्वल टू फोर, इसका मतलब क्या होगा? अरे बगल में तो लिखा है, पढ़ के नहीं बता पा रहे हो क्या? क्या लिखा है बगल में? ए इक्वल टू ए प्लस फोर, भूल गए हो? क्या इसका मतलब होगा? ए इक्वल टू ए प्लस फोर, क्या होगा? ए इक्वल टू ए प्लस फोर होगा ना कि नहीं होगा? होगा, कितने लोग बोल रहे होगा? कौन कौन बोल रहा है? अतुल बोल रहा है क्या? होगा, बोल रहे हैं सब? ओके ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना? ऐसा कैसे हो गया करके? ऐसा तो नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा था, मैं तो नहीं पढ़ी थी, हैं ऐसा कैसे सर बता रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा? ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए इक्वल टू ए प्लस फोर, उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको शॉर्ट हैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट हैंड बोला जाता है। अगर हम लोग किसी सिंगल ऑपरेटर के साथ किसी वैल्यू को हम लोग ऐड करना चाहते हैं और उसी सिंगल वेरिएबल पे ही स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं। आया समझ में? ठीक है, अगर हम लोग दो वेरिएबल ले रहे हैं और एक ही वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं हम लोग एडिशन के लिए भी और उसी में स्टोर करने के लिए भी, तब हम लोग शॉर्ट हैंड का यूज़ करते हैं। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे देखो, b माइनस इक्वल टू फोर, इसका मतलब क्या होगा? b में फोर माइनस करना है, तो उसका स्टेटमेंट बनाओ पूरा, क्या होगा? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। और किस में स्टोर होगा? b में स्टोर होगा, ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है, डिवीजन के लिए भी होता है, और मॉड के लिए भी होता है, सब के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये एडिशन के लिए हुआ, सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, डिवीजन के लिए हो गया, मॉड के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक, ओके। अब देखो, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में हम लोग टाइप कास्टिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, टाइप कास्टिंग मतलब क्या होता है? हम लोग चेंज करते हैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे हम लोग शॉर्ट ए इक्वल टू 10, शॉर्ट बी इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों कंपाइल टाइम एरर मिलेगा? दोनों में सेम वैल्यू है इसलिए नहीं, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? इंटीजर वैल्यू नहीं है। शॉर्ट डेटा टाइप जो होता है उसमें कभी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग शॉर्ट लेते हैं, शॉर्ट अगर डेटा टाइप ले, वो भी इंट जैसे ही मेमोरी लेगा, लेकिन वो इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, वो भी इंटीजर जितनी ही मेमोरी लेगा, लेकिन वो इंटीजर नहीं होता है, तो हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्ट को भी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम लोग उसको चेंज कर दें। ठीक है, अभी देखो, ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 10 है। ठीक है, ये दोनों इंटीजर वैल्यू है, 10 और 10 क्या है? इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्म किए ए प्लस बी। ठीक है, और उसके पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख दिए शॉर्ट। अब ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर को ऐड करेगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी क्या है? इंटीजर वैल्यू है।
है ना, वो एडिशन जब परफॉर्म करेगा तो उसको एज ए इंटीजर वैल्यू लेगा। लेकिन ए किस टाइप का है? शॉर्ट टाइप का है, ए में ही स्टोर हो रहा है ना। ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी, यही है ठीक है। तो जब एडिशन परफॉर्म करेगा और वापस से स्टोर किस में करेगा, ए में स्टोर करेगा ठीक है, तब कंपाइल टाइम एरर आएगा। लेकिन हम लोग उसको टाइप कास्ट के थ्रू उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है। तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, शॉर्ट लिख देंगे। शॉर्ट से क्या होगा, ए प्लस बी क्या है हमारा, इंटीजर में वैल्यू दे रहा है और उसको वो कन्वर्ट कर देगा शॉर्ट में ठीक है। तो इस प्रकार के टाइप कास्टिंग से हम लोग किसी भी वैल्यू को कोई दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। अगर वो इंटीजर है हम लोग उसको स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग है तो इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ब्रैकेट में लिख के उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो ये था टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, टाइप कास्ट या फिर टाइप कास्टिंग इसको बोलते हैं ठीक है। मतलब एक डेटा टाइप से चेंज करना है हम लोग को दूसरे डेटा टाइप पे ठीक। ठीक है कि नहीं है, समझ में आया? ओके ठीक है। तो ऑपरेटर्स यहीं पे ख़त्म होता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हम लोग देखे और कुछ छूट गया होगा ठीक है। तो सब चीज़ हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले भी, कुछ नया ऑपरेटर यहाँ पे नहीं है ठीक है। वो आलतू फालतू ऑपरेटर थे एंड वैंड, वो सब चीज़ वो लॉजिकल एंड वगैरह में है ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर वो सब कुछ नहीं है यहाँ पे ठीक है। एक और ऑपरेटर है डॉट ऑपरेटर, वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, वो जैसे ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं उस समय देखेंगे डॉट ऑपरेटर क्या होता है। वैसे मैं डॉट ऑपरेटर बताया था आपको, वो क्या होता है बताया था ना, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट हम लोग किए थे ठीक है। चलो वो हम लोग देखेंगे आगे है ना ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, कुछ भी डाउट होगा तो। नहीं, टाइप कास्ट में नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट को अगर हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर फ्लोट डबल पे ही परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग ठीक है। लेकिन जब शॉर्ट हम लोग लेते हैं तो शॉर्ट मेमोरी उतनी ही लेता है, मेमोरी से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, लेकिन वैल्यू अगर शॉर्ट में हम लोग ले रहे हैं तो वो अलग हो जाती है वैल्यू ठीक है। रिप्रेजेंटेशन उसका अलग होता है, इसीलिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं उसमें। आया समझ में? ठीक है, टाइप कास्ट तो हम लोग कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप को किसी भी डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। जावा ये फैसिलिटी हम लोग को देता है ठीक है। बहुत खास बात है इसकी कि हम लोग कोई भी डेटा टाइप को किसी भी दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? कौन सा, कौन सा वाला नहीं समझ पा रहा, क्या बोल रहे हो? टर्नरी ऑपरेटर नहीं समझ में आया, देख लेते। ये देखो टर्नरी ऑपरेटर देख लेते हैं ठीक है। अब माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो ठीक है। देखो टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं है, एक ऐसा ऑपरेटर जैसे इफ एल्स यूज होता है ना वैसे ही है सेम ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर ठीक है, सब एक ही स्टेटमेंट पे हम लोग लिख लेते हैं।